बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अब बिहार को युवाओं के हाथ में सौंप देना है और युवा ही बिहार को आगे लेकर बढ़ेंगे। इसको लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि किस युवा को नीतीश कुमार आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आखिर कौन आगे बढ़ रहा है। तो छठ के दिन एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिस तस्वीर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार किस युवा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी अब चुन लिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी अपने इकलौते बेटे निशांत को चुना है। छठ के दिन निशांत जो हैं वो पटना आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने पिता के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा किया गया। बहुत कम देखने को मिलता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करें, क्योंकि ऐसा वक्त कभी आता नहीं है। और निशांत अगर पटना आते भी हैं तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या फिर निशांत भी वो तस्वीर को साझा नहीं करते हैं, तस्वीर ही नहीं खिंचवाते हैं। लेकिन छठ के दिन ये देखा गया कि छठी व्रती लोग को अर्घ दिलवाया नीतीश कुमार ने और उनके बेटे निशांत ने। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने बेटे को गले लगाया, फिर निशांत ने भी अपने पिता के गले लगकर बहुत खुश हुए। नीतीश कुमार भी बेहद खुश नज़र आ रहे थे। अब जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं, जो नेता हैं, सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को साझा कर रहे हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार लगातार युवा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो कहीं निशांत ही वो युवा तो नहीं जिसे वो बार बार आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि निशांत भी युवा हैं। और लगातार हर खुले मंच से नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अब युवाओं को आगे बढ़ाना है, इन्हीं लोग को तो बिहार देखना है। तो निशांत भी अब पटना पहुँचे हैं और सबकी निगाहें निशांत पर टिकी हुई है कि कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशांत को आगे बढ़ाए तो अच्छी बात है। और जेडीयू के सभी नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कोई हो तो वो निशांत हो। और निशांत भी बेहद खुश नज़र आ रहे थे अपने पिता से मिलकर। हालांकि कई बार निशांत ने ये बात कहा है कि मुझे बिहार की राजनीति से कुछ खास लगाव नहीं है, लेकिन मेरे पिता बहुत अच्छा काम करते हैं बिहार की राजनीति में, बिहार के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है, बहुत विकास किया है और मैं अपने पिता के कामों से प्रभावित रहता हूँ। अब वही प्रभाव जो है उनको लगता है पटना खींच लाया है और अब नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनने के लिए उनके बेटे जो हैं वो तैयार भी हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आखिर नीतीश कुमार कब तक पब्लिकली ये बता देते हैं कि उनके बेटे जो हैं वो उनका कार्यभार जो है वो संभालेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334। भी फोन लगाएं, समाधान पाएं, चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।